आदाब दोस्तों, मैं ताजनूर परवीन, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। तहकीक इंडिया न्यूज में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। दोस्तों, इस धर्मनिरपेक्ष भारत में जहां हर तरफ खुशी के आसार दिखने चाहिए था, वहां इन दिनों हर तरफ नफरती अंदाज में गमों के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये कहना कोई शक की बात नहीं है कि इसी हिंदुस्तान के चंद बदमिजाज लोग कैसे इस हिंदुस्तानी फिजाओं को बिगाड़ने पर आमादा है। आइए जानते हैं। इन दिनों मुसलमानों के खिलाफ जहरीले नारे लगाने वाले दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नफरती नारा लगाने वाले लोगों का चेहरा साफ तौर पर देखा जा सकता था, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस द्वारा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था। जब आम जनता द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर इसकी आलोचनाएं होने लगी, तब जाकर सोमवार रात नफरती नारा लगाने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया। हैरत की बात देखिए, हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाने को लेकर ठीक उसी जगह पर जब मुसलमानों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, तब दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी बहादुरी दिखाते हुए सभी प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर बसों में भर कर ले जाती है और सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन वहीं जब मुसलमानों के खिलाफ असामाजिक तत्व द्वारा नफरती नारा लगाया जाता है और जोर जोर से कुत्ते की तरह भौंकते हुए कहा जाता है, जब मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा, और दूसरी बात जो मुसलमानों के आस्था को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाने के लिए कहा जाता है, जब अल्लाह काटा जाएगा तब राम राम चिल्लाया जाएगा, तब उस वक्त दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की बहादुरी और मर्दानगी कहां चली जाती है। ऐसे जहरीले नारे लगाने वाले को दिल्ली पुलिस हिरासत में क्यों नहीं लेती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब मुस्लिम कमेटी के लोग वहां पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कहते हैं, तो दिल्ली सरकार तुरंत एक्शन में आ जाती है और सारे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लेती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि नफरती नारा लगाने वालों के खिलाफ जो आवाज बुलंद हो रही थी वो मुसलमानों की थी, इसलिए मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। मैं हिंदुस्तानी नागरिक होने की हैसियत से पूछना चाहूंगी, आखिर हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत में ऐसी नीति क्यों और किसके कहने पर अपनाई जाती है। आइए दोस्तों, मैं दो वीडियो आपको दिखाती हूँ, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए।
आप लोगों ने। इसी कड़ी में मैं आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो उन्हीं नफरती नारा लगाने वाले में से एक है जिसका नाम पिंकी चौधरी है। पंक्ति में चलो और हिंदू डर जाएगा। अरे हिंदू डरने वाला नहीं है, जब तक हिंदू रक्षा दल है, जब तक हिंदू को परास्त नहीं होने देंगे और सारी समाज का काम करेंगे, बिहारियों को समाज का काम करेंगे। ये कोई आज की नई बात नहीं है, बल्कि इस देश की मजबूत एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए मुसलमानों के साथ लगातार दोगलेपन वाली नीति अपनाई जाती है। केजरीवाल दिल्ली सरकार, उस वक्त आपकी पुलिस कहाँ थी जब मुसलमानों के आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा था? असामाजिक तत्वों द्वारा चीख चीख कर नफरती नारे लगाए जा रहे थे, और जब यही मुसलमान जहर उगलने वाले नफरती नारा लगाने वालों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, तो उन्हें आपकी पुलिस पकड़ पकड़ कर सलाखों के पीछे डाल रही है। वाह रे देश के नेता और प्रशासन, वाह। आज अगर हमारा देश कमजोर हो रहा है, देश की एकता खंडित हो रही है, तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ दोगलेपन रवैये अपनाने वाले नेता और प्रशासन को जाता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।